स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर राजभवन पर प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ किया है प्रदर्शन। लखनऊ नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। सुल्तानपुर में खराब कानून व्यवस्था को लेकर सपा का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों को खाद न मिलने से जताई नाराजगी। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली करा रही पुलिस। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल और जेसीबी तैनात। बाहुबली अतीक अहमद पर हुआ बड़ा एक्शन। प्रयागराज में 25 करोड़ की 5 संपत्तियां की गई कुर्क। डीएम के आदेश के बाद हुआ एक्शन। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में अगर देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा कराने के फैसले का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 28 अगस्त को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। स्टूडेंट्स के समर्थन के लिए ऑनलाइन कैंपेन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में लिखा खुला पत्र। अगर बीजेपी ऐसा जानलेवा एग्जाम करा रही है तो केंद्र के बाहर अपने मंत्री सांसद विधायक तैनात करें। विद्यार्थियों के खाने रहने की व्यवस्था वैसे ही हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर हुए हैं ट्रांसफर। सचिव गृह विभाग एसके भगत हटाए गए हैं। एसके भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया है। तरुण गाबा नए सचिव गृह विभाग बने। प्रयागराज एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। 35 पुलिस कांस्टेबल को किया गया लाइन हासिल। कर्मियों को नैतिक कर्तव्य न करने का पाया गया है दोषी। आम नागरिकों के लिए भी अगर बात की जाए तो उनसे भी बात की। देवरिया में प्रेमिका पर घरवालों ने प्रेमी को धोखे से बुलाकर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जलाया। इलाज के दौरान अस्पताल में प्रेमी की मौत। वहीं गुस्साए परिजनों ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर शव के साथ घंटों प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्नाव में अधिकारियों की लापरवाही से शोपीस बनी एलईडी लाइट। 13 करोड़ के बजट से लगनी थी एलईडी लाइटें। नगर पालिका गंगा घाट को सौंपा गया थका। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई को। कोर्ट ने बहराइच के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के मामले में करारा झटका दिया है। सीबीआई की तरफ से दाखिल किए गए क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। अग्रिम विवेचना का आदेश जारी किया। नोएडा में बिजली कर्मी की मौत को लेकर कर्मचारियों का हंगामा। बिजली घर पर शव रखकर किया है हंगामा। अचानक तबीयत खराब होने से हुई थी बिजली कर्मी की मौत। बदायूं में दो तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से टकराई। सड़क हादसे में दो की दर्दनाक मौत। 3 गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। बुलंदशहर में 50,000 के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ ने दिल्ली से 3 शार्पशूटर को किया है गिरफ्तार। हथियारों के कब्जे से 3 पिस्तल और कारतूस भी बरामद।
नोएडा में सेक्टर 52 बिजली घर में लोगों का हंगामा। सेक्टर 71 के जनता फ्लैट के निवासियों ने किया है हंगामा। बढ़कर आए हुए बिजली बिल को लेकर किया गया हंगामा। अलीगढ़ के थाना कुआरसी पुलिस और एसओजी के द्वारा वाहन चोरी के बहुत बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 17 चार पहिया वाहन के साथ एक बाइक को भी बरामद किया। गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अलीगढ़ के आसपास के जनपदों पर चोरी की गाड़ियों को बेचने का काम करता था। प्रतापगढ़ में क्रिकेट मैच के दौरान जमकर मारपीट, दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। बीच बचाव करने पहुंचे व्यक्ति के हाथ में लगी गोली। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में मचा हड़कंप। आगरा में यमुना नदी में मौत की छलांग का वीडियो वायरल। युवकों को नहीं है किसी हादसे का डर, बेखौफ होकर नदी में नहा रहे हैं। मेरठ में पॉलीथिन के खिलाफ अभियान में नगर निगम का छापा। छापा मारकर 12 क्विंटल पॉलीथिन जब्त की गई है। पाली ट्रेडर्स से पकड़ी गई है प्रतिबंधित पॉलीथिन। दुकानदार से 25,000 का जुर्माना वसूला। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्या मामला। पूर्व सीएम से मिलने जा रहे परिजनों को पुलिस ने रोका। परिजनों को पुलिस ने समझा बुझाकर घर वापस भेजा। अखिलेश यादव से मिलने जा रहे थे परिजन। मैनपुरी में पीड़ित गरीब परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र पीड़ित ने भेजा है। दरअसल इस परिवार की सड़क के किनारे मौजूद 31 डेसिमल जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जे का आरोप 4 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और ईट भट्टा मालिक जिला पंचायत सदस्य हरेंद्र यादव और उसके भाई पर लगा है। लखनऊ में अस्थायी पशु आश्रय स्थलों का बुरा हाल है। फसलों को बर्बाद कर रहे आवारा पशु गौवंश की सुरक्षा में हो रही अनदेखी। एक साल से बदहाली झेल रहा है पशु आश्रय के। कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। हिंदूवादी संगठन ने युवती को युवक से छुड़वाया है। एसपी पूरे मामले की जांच में जुटे। मेरठ में के मेडिकल कॉलेज के कैंपस में उस समय हड़कंप मच गया जब सेल्फी की दीवानी एक छात्रा फोटो खींचने के लिए अपने एक दोस्त के साथ 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर जा चढ़ी। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे हॉस्टल के वार्डन और पुलिस ने घंटों समझाने के बाद छात्र और छात्रा को नीचे उतारा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि छात्र और छात्रा को उनके घर वापस भेज दिया गया। बस्ती के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के ड्रेस आपूर्ति में घोटाले के बाद से अब एक और गोलमाल सामने आया है, जिसमें मानव आपूर्ति करने वाली प्राइवेट फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए कई सालों से शासन के नियमों को दरकिनार कर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया गया और सरकार को करोड़ों का चूना लग गया। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद मामले में पहुंची पुलिस के साथ अभद्रता। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पथराव में 2 महिला कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी। सीतापुर में माता लक्ष्मी के अनुष्ठान में बांटे गए नकली नोट। 9 लाख रुपए के बांटे गए हैं नकली नोट। 9 दिन के लिए 40 ब्राह्मणों को 2,000 प्रतिदिन देने की बात अनुष्ठान कराने वाली महिला ने बांटे हैं नकली नोट। कानपुर में बाबू परवा के ईदगाह में भीड़। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर मैदान कराया खाली। गाइडलाइन के साथ त्यौहार मनाने की अपील। कानपुर में आईजी जोन मोहित अग्रवाल द्वारा गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के जुलूस को दफन को लेकर अधिकारियों के साथ पैदल गश्त की गई है। लोगों को लॉकडाउन के चलते कोरोना की गाइडलाइन को मानने की सलाह भी दी गई।
आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार का बुलंदशहर दौरा। आईजी ने फैमिली क्वार्टर का किया सर्वे। एसएसपी को जल्द सुधार के दिए निर्देश। पुराने लंबित मुकदमों का जल्द हो निस्तारण। कानून व्यवस्था को सख्त करने की दी हिदायत। लखनऊ में सन की महिला ने दो कुत्ते के बच्चों को पैर से कुचलकर मार डाला है। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। यूपी के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है और खतरे के निशान के करीब पहुंची है नदियां। बाढ़ के हालात और कई जिले बाढ़ से भी प्रभावित, लेकिन ऐसे में उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी। तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, खतरे के निशान के करीब पहुंची है नदियां। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई। खतरे के निशान के करीब पहुंची है नदियां और निचले इलाके को काफी ज्यादा खतरा, लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है। वही कौशाम्बी में युवक के सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। खेत में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में किदबई नगर पुलिस को मिली है सफलता। पुलिस ने दो लुटेरों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से लूट की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। चोरी की बाइक समेत एक मोबाइल भी बरामद। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया है सामने। नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था युवक। 14 दिन बाद परिजनों ने लड़की को किया बरामद। परिजनों का आरोप, झाड़ फूंक कराकर लड़की को वश में किया। बागपत में बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाह। डीएम के निरीक्षण में अधिशासी अभियंता मिले नदारद। 5 कर्मचारी भी नहीं मिले सीट पर। डीएम ने वेतन रोकने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में दलित छात्रा की रेप के बाद गला रेत कर की गई हत्या। मामले में 48 घंटे बाद पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए हत्या के आरोपी दिलशाद को पकड़ा। झांसी के मऊरानीपुर की सुखनई नदी के उफान पर आने पर पूरे क्षेत्र के लोग सहम गए हैं। देर रात बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ गया है। आसपास के गांव में पानी भर गया। उन्नाव में इंडिया न्यूज की खबर का असर। एलईडी लाइटों की मरम्मत का काम शुरू। उन्नाव शुक्लागंज मार्ग पर 1017 एलईडी बने थे शोपीस। इंडिया न्यूज ने दिखाई थी खराब एलईडी लाइटों की तस्वीर। नोएडा में फीस को लेकर अभिभावकों का हंगामा। सेक्टर 61 जेएसएस स्कूल में प्रदर्शन। बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंचे। 50% फीस कम करने की मांग। नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी के बाहर कर्मियों का हंगामा। सैलरी न मिलने पर कर्मियों का हंगामा है। बिना सैलरी दिए सैकड़ों कर्मचारी को निकाला गया है। बिना वजह निकाले जाने से परेशान। बस्ती में पिछले 10 दिनों से खाद की किल्लत से किसान परेशान थे। खाद आने के बाद किसानों से कई जगहों पर ओवर रेट लिया जा रहा है। 10 दिन बाद खाद आने के बाद किसानों को जैसे तैसे खाद मिलनी शुरू हुई। ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स ने घेराव कर हल्ला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में जेल में बंदी ने लगाई है फांसी। कारागार के सर्किल एक में बंद था कैदी। 2 दिन पहले बैरक बदलने के दौरान हुई थी मारपीट। हत्या के आरोप में जेल में बंद था बंदी।
वाराणसी में हादसे का शिकार हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, लखनऊ जाते समय हुआ है हादसा, जौनपुर के बदलापुर के पास हुआ सड़क हादसा। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है मौत, भेसाना सुगर मिल बुढ़ाना के सामने हुआ हादसा। आजमगढ़ के सिधारी थाना के एक गांव में प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर जाना उस वक्त पड़ गया जब वो गांव में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने जा ही रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों और परिजनों ने प्रेमी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय के पास अभिभावकों ने थाली बजाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस को माफ किया जाए। इस मांग को अभिभावक लंबे समय से उठा रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3 लड़के 5 लड़के 3 लग्जरी कार भी बरामद की गई है। शिवालिक अपार्टमेंट रतनपुर से हुई है गिरफ्तारी। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार में पत्रकार नवीन सिंह पर हमला, घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला, हमले में पत्रकार और बड़ा भाई घायल, दबंग रवि राज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में मुजफ्फरनगर के विकी त्यागी गैंग का नाम सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अक्षय की हत्या बदला लेने के लिए की गई। ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने गृह कलेश के चलते अपने ही बेटे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन गोली लगने से मौके पर ही रिटायर्ड दरोगा की मौत हो गई। गोंडा के थाना कोतवाली देहात के लोहिया घाटा गांव में लोग तालीबारी इंसाफ करते हुए एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटते रहे और जिस दौरान वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूद गया। आगरा के थाना इरादत नगर के थाप महदवारी गांव में हवा में हथियार लहराते दबंग का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विवाद के बाद तमंचा लेकर पहुंचा था दबंग। उत्तराखंड में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश एक दिवसीय उपवास पर बैठी हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंदिरा ने आरोप भी लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल पड़ी है, जबकि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। समाधि के लिए लंबे समय से संतों की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। हरिद्वार में संतों ने एक सुर में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही राज्य सरकार ने भू समाधि के लिए हरिद्वार में संतों को अलग जमीन उपलब्ध न कराई तो विवश होकर अखाड़ों को अपने संतों को दिवंगत होने पर जल समाधि देनी पड़ेगी। संतों ने कहा कि आगामी कुंभ से पहले पहले राज्य सरकार को भू समाधि के लिए जमीन का चयन कर उसे अखाड़ों को सौंप देना चाहिए जिससे जल समाधि पर रोक लगाई जा सके। भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने ऑनलाइन बैठक में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक जनपद से एक उत्पाद का चुनाव करने का निर्देश दिया है। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य का पक्ष रखा। संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों के साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार और मरीजों को रेफर करने की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट, बारिश से नगर पालिका की खुली है पोल।
देहरादून की नेहरू कॉलोनी में क्षेत्र में युवतियों से बदसलूकी के मामले में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। इस मामले में दो युवकों पर युवतियों से बदसलूकी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात 10 बजे दीप कॉलोनी में रहने वाली दो बहनों ने चौकी इंचार्ज आशीष रावत को फोन कर कॉलोनी के दो युवकों पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया। पूरे मामले में एसओ ने बताया कि अर्जुन और अमित पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, युवतियों से अभद्रता, बदसलूकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी जिला प्रशासन ने आखिरकार मशक्कत के बाद मॉनसून सीजन से निपटने के लिए शासन द्वारा भेजे गए सैटेलाइट फोन्स को नॉन नेटवर्क जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया। कोटद्वार में लगातार बढ़ते नशे के ग्राफ को देखते हुए एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी पौड़ी के निर्देशानुसार नशे की रोकथाम के लिए कोटद्वार थाना की टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि एनटीपीएस से संबंधित माल की बहुत बड़ी खेप कोटद्वार में बरेली और अन्य स्थानों से आ रही है, जिस पर सीआईयू ने फौरन कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान भी चलाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बुधवार को मसूरी में एक ही परिवार के चार लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पौड़ी में खाई में गिरी दूध की गाड़ी, गढ़वाल एनएच 119 ज्वलपा देवी के पास ये पूरा हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के एनएच 58 पर मलेथा के पास कार पुलिया पर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त पुलिया के दूसरी ओर मौजूद लोग इसकी चपेट में आने से बच गए। विकासनगर में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में बह गई कार, कार से बच्चों सहित दंपति सुरक्षित बाहर निकाले गए। लांघा रोड पर शीतला नदी में आए हैं तेज बहाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत का हिसाब से दुनिया में डिफेंस इंपोर्टर वाली श्रेणी के देशों में रहा है। भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की इजाजत नहीं थी, हमने 74% निवेश की इजाजत दी है। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर हो सकते थे, उसको सीमित कर दिया गया। राज्य को राजस्व में कमी की भरपाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बृहस्पतिवार को हुई है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और ये एक कारक है जिससे जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि हम एक दैवीय आपदा का सामना कर रहे हैं, हमें मंदी भी देखने को मिल सकती है, हमें मंदी भी देखने को मिल रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद पिता केके सिंह ने वीडियो मैसेज जारी किया है। सुशांत के पिता केके सिंह के मुताबिक रिया लंबे समय से सुशांत को जहर पिलाती थी और वो उसकी हत्यारी है। रिया और उसके सहयोगियों को जल्दी गिरफ्तार करें और सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने कहा कि अगर सुशांत को कोई गंभीर मानसिक परेशानी थी तो रिया को परिवार को बताना चाहिए था। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। जितना फायदा उठाना था उठा लिया लेकिन जब जिम्मेदारी का समय आया तो छोड़कर भाग गई। डांसर और एक्टर पुनीत पाठक ने अपनी गर्लफ्रेंड निधि मुनी सिंह से सगाई कर ली है। पुनीत ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद कोरियोग्राफर गीता रेमो टैरेंट समेत कई सेलेब्स ने उनको बधाई। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर एसआरआर फिल्म खाली पीली का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। तीन दिनों के अंदर ही टीजर को 1.4 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं और इसे ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म के साथ ही ईशान और अनन्या पहली बार साथ काम कर रहे हैं।
मल्टी स्टारर फिल्म सड़क दो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म 1951 की फिल्म का सीक्वल है जिसमें पूजा और संजय दत्त लीड रोल में थे। फिल्म में आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और पूजा भट्ट नजर आए। जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी वो तो कभी। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने डांस से कई फिल्मों में खूब धमाल मचवाया है। मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर से छैया छैया सॉन्ग पर अपने डांस से धमाल मचाकर रख दिया है। मलाइका अरोड़ा और डांसर टैरेंस के साथ छैया छैया गाने पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। धनाश्री वर्मा इन दिनों अपने डांस वीडियो से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। धनाश्री वर्मा का एक और डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में डांसर धनाश्री वर्मा सिंगर गुरु रंधावा के साथ डांस करते हुए नजर आ रही है।